Hello everyone, I am Raman Sharma. So today I am going to make one video on pie chart. Writing task 1, people usually face a problem while they do write. बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि जब वो राइटिंग टास्क 1 को लिखने बैठते हैं कि कैसे लिखें कैसे ना लिखें. मतलब आज की जो क्लास होगी इसमें मैं प्रॉपर आपको टीच करूंगा कि आपने राइटिंग टास्क 1 को कैसे लिखना है. और आज की जो मैं टाइप उठाने वाला हूं दैट इज कॉल्ड पाई चार्ट. वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और डेफिनेटली एक वीडियो को देखने के बाद आज के बाद कभी भी आपको राइटिंग टास्क 1 के पाई चार्ट में अगर प्रॉब्लम आ गई तो आप मेरे को ब्लेम करना, मैं एक्सेप्ट करूंगा उस चीज को. मगर अगर आपको अच्छा लगा, आप कहीं पे भी प्रैक्टिस करते हो, घर पे, किसी इंस्टीट्यूट पे या कहीं पे भी, अगर आप पाई चार्ट को बहुत अच्छे से अपनी कमांड के बीच ले आए तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और दोस्तों मित्रों से भी करवाएं. सो समय को बिल्कुल हम वेस्ट नहीं करते, तो आइए चलते हैं मेरी क्लास पाई चार्ट. So, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आज का वीडियो राइटिंग टास्क 1 का बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं आपको टीच करूंगा कैसे राइटिंग टास्क 1 में 3 out of 3 बैंड स्कोर आप कैसे लेकर आ सकते हैं. तो आइए हम देखते हैं. देखो स्टेटमेंट हमारे पास रहे यहां पे और इसको चेक करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको अच्छे तरीके से चेक कर सकते हो और लिख सकते हो. एक एक स्टेप को आपको क्लियर करूंगा, ठीक है. तो जैसे शुरुआत करते हैं, एक बार स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं कि क्या स्टेटमेंट है, क्या कहना चाहती है. द पाई चार्ट्स, चार्ट्स क्यों है, एक एरा दो हैं. बिलो शो द परसेंटेज ऑफ टाइम अडल्ट स्पेंट ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज इन अ कंट्री इन 2008 and 2018. मतलब हमें ये पता लग चुका है अभी तक कि जो पाई चार्ट्स हैं वो परसेंटेज शो कर रहे हैं कि जैसे अडल्ट्स होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, वो कैसे टाइम को स्पेंड करते थे डिफरेंट काइंड्स की एक्टिविटीज के ऊपर एक देश के बीच 2008 में और 2018 में. तो इसके लिए हमें फंडा क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास ये हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी थी वो जिसके ऊपर वो टाइम स्पेंड करते थे. अगर मैं देखता हूं तो आपको भी ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा. 2008 और 2018 मतलब दो हमारे पास पाइग्राफ हैं. वर्किंग है, वर्किंग कितने पे, 33% पे, और वर्किंग यहां पे भी कितने पे, मतलब 33% पे. ये क्लियर हो गया कि वर्किंग हो गया हमारा एक नंबर, ये सेम है, ये एस लिख दिया हमने, सेम. प्लेइंग स्पोर्ट्स क्या है हमारा, यहां पे 6% पे और प्लेइंग स्पोर्ट्स यहां पे 2% पे, ये हमारा डिक्रीज हो गया. गोइंग आउट विद फ्रेंड्स यहाँ पे 19% है और यहाँ पे 20% है, मतलब ये थोड़ा नेग्लिजिबल जो होता है ये वो हो गया है ना. ट्रेवलिंग टू वर्क पहले 2% थे, अब 8% हो गए, ज्यादा हो गए ना, इंक्रीज हो गए ये. स्लीपिंग पहले 32% सोते थे, अब 20, अब कम सोते हैं, ठीक है. और रिलैक्सिंग एट होम पहले 8% था, अब 16 हो गया, अब डबल हो गया. मतलब अगर मैं टोटल आपको बताऊं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमारे पास क्या है कि 6 पाइग्राफ के जो हमारा पाई चार्ट है उसके हमारे पास है 6 स्टेप्स हैं. अब ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हमने एक पैराग्राफ बनाना है जो बनेगा हमारा इंट्रोडक्शन का, उसके बाद बनेगा हमारा बॉडी 1 बीपी 1, बॉडी 2 बीपी 2 और लास्ट पे आएगा ओवरऑल. ये बात ध्यान में रखना, कई बार बच्चे इंट्रो के बाद ओवरऑल डाल देते हैं, वो बिल्कुल गलत है. क्योंकि ओवरऑल का मतलब क्या है कि जब आपने सारा पढ़ लिया, सारा रीड कर लिया, तब भी आप उसके बारे में बताओगे ना, डेफिनेटली ओवरऑल ये रहा. और पाई चार्ट में ना तो आप कभी भी अपना व्यू देख सकते, ऐसे नहीं ना कि यहां पे 32% था और यहां पे 20. सर मेरे को लगता है मोबाइल फोन आ गए इसलिए लोग जागते हैं, ऐसे अपनी बातें कुछ नहीं करनी है. मतलब ये हमारे पास कितने हैं, 6 स्टेप हैं, 3 स्टेप में एक में लिखूंगा, 3 स्टेप में एक में लिखूंगा. एग्जामिनर बैंड स्कोर कैसे इंप्रेस होता है कि आपने हर एक स्टेप को एक डिफरेंट सेंटेंस में कैसे लिखा, तो मैं आपको एक एक स्टेप में बताऊंगा. तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, इंट्रोडक्शन. आज मैं आपको पाई चार्ट की इंट्रोडक्शन सिखा रहा हूं और यकीन मानिए चाहे पाए हो चाहे टेबल हो कोई हो, अगर आप इंट्रोडक्शन एक ही अच्छे तरीके से सीख गए तो जितने भी ग्राफ हैं 7 टाइप्स हैं तो बिल्कुल 110% आपको सेम रिजल्ट मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि सभी की इंट्रोडक्शन एक तरीके से होती है,
सबसे पहले आप चेक करो कि आपको सनोनिम किस किस चीज के आते हैं, फाइंड करो। आपके पास कोई प्रेशर नहीं, अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, मगर अगर मेरे को कोई बोलेगा किस किस सनोनिम आते हैं, तो शो, शो का सनोनिम क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है, डिपिक्ट होता है, इलुस्ट्रेट होता है, आप जो मर्जी लिख सकते हो। परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज का सिनोनिम आता है तो लिखो, अदरवाइज परसेंटेज ही लिख सकते हो, जैसे प्रोपोर्शन होता है, परसेंटम होता है, ये वाले वर्ड्स हो गया ना। अडल्ट्स कौन होते हैं, जो 18 साल से मतलब यंगस्टर्स होते हैं। स्पेंट करना, यूटिलाइज करना। डिफरेंट, वेरियस, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज होते हैं। कंट्री, नेशन, और जहां पे इन है तो यहां पे ड्यूरिंग आ जाएगा। आपको दिखाता हूं कि कैसे मैंने इसका इंट्रोडक्शन बनाया, और आप भी एग्जाम में इंट्रोडक्शन ऐसे ही बना सकते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए वैल्यूएबल होगा। ये देखिए मैंने सनोनिम में कैसे चेंज करके इंट्रोडक्शन को बनाया। सबसे पहले मेरे पास क्या था, द पाई चार्ट्स, तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया द पाई चार्ट्स, मतलब ग्राफ का नाम आप कभी भी चेंज नहीं करोगे, ये रूल नंबर वन है। उसके पास बिलो वर्ड है, और बिलो कभी भी आपने इंट्रोडक्शन के रीफ्रेज में नहीं यूज करना, बिलो वर्ड यूज नहीं होगा। देन शो, शो का सिनोनिम क्या होता है, डिपिक्ट लिखा है मैंने, इसको रिप्रेजेंट भी बोलते हैं, इसको इलुस्ट्रेट भी बोलते हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। डिपिक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट, यहां पे मैंने शो है तो मैंने बोल दिया कि ये डिपिक्ट करता है इंफॉर्मेशन अबाउट। द परसेंटेज मैंने लिख दिया, द प्रोपोर्शन, अगर सिनोनिम आता है तो लिखो, अगर नहीं आता तो प्रेशर मत डालो। ऑफ ऑफ, टाइम टाइम, अडल्ट्स यंगस्टर्स चेंज कर दिया, स्पेंट यूटिलाइज्ड, ऑन ऑन, डिफरेंट वेरियस, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज का नहीं आता तो लिख दिया, इन इन आ, कंट्री नेशन, इनकी जगह पे ड्यूरिंग 2008 एंड 2018, दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ टास्क वन। आपको जिस जिसके सनोनिम्स आते हैं आप उनको लिखते जाइए, जिसके नहीं आते तो आप उसको मत लिखिए। दिस इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन का, ये रीफ्रेज का रूल नंबर वन है। मेरे को एक्टिविटी का नहीं आता तो एक्टिविटी डायरेक्ट लिख दिया। हम मशीन थोड़ी हैं कि सारे के सारे आएंगे, कुछ आते भी हैं कुछ नहीं भी आते हैं, तो आओ दूसरे नंबर पे आते हैं। अब क्या किया मैंने, दो बॉडी पैराग्राफ बने ना, मतलब ये मैं यहां पे इसको क्या करता हूं, मतलब इंट्रोडक्शन है जो मेरा वो हो गया क्लियर। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन के पास टिक लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी वन, बॉडी वन मतलब बॉडी पैराग्राफ वन, ठीक है, बीपी वन लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसको हम करने वाले हैं, बीपी वन में क्या करेंगे, हम कोई भी तीन उठाएंगे अपनी मर्जी से और अलग अलग सेंटेंसेस में इनको हम पेश करेंगे। जैसे मैं आपको फर्स्टली एक पेश करता हूं, मैंने पहले आपके लिए लिख के रखा है ताकि आपको टाइम वेस्ट भी ना हो और आप अच्छे तरीके से सीखें भी। तो आइए, सबसे पहला ट्रेंड, मैंने पहले ट्रेंड को कैसे लिखा और कितने अच्छे तरीके से, तो डेफिनेटली आपको पता भी चलेगा कि हाँ सर ऐसा करने से एग्जाम क्रैक होगा ही होगा। तो देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए मेरा कैसा है, मैंने लिखा सबसे पहले आप लाइन लिख सकते हो, ये बड़ी अच्छी, थोड़ा इसको जूम कर देता हूं तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहां से हम इसको पिक कर लेते हैं, दैट्स ओके, इसको हम यहां से करते हैं, यहां से दैट्स ओके, यहां से दैट्स ओके, मतलब ये आपकी हेल्प करेगा कि आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे तरीके से दिखेगा भी। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको। आफ्टर एनालाइजिंग इट कैन बी सीन क्लियरली दैट, एनालाइज करके मैंने एनालाइज किया और मैंने इसको बड़ा क्लियरली सीन किया। आप कोई भी ग्राफ लो उसको आप इससे शुरू कर सकते हो, और दिस इज कॉल्ड द बेस्ट वे आपको किसी को बताना है। आफ्टर एनालाइजिंग इट कैन बी सीन क्लियरली, क्लियरली सीन नहीं होता, ठीक है, दैट तो कॉमा नहीं आया। 8% ऑफ टाइम वॉज स्पेंट बाई यंग पीपल ऑन रिलैक्सिंग एट होम इन 2008 ये रहा, रिलैक्सिंग एट होम ये रहा, और कितना उन्होंने 8% स्पेंट किया, ठीक है, मतलब एक ग्राफ का मैंने ये बता दिया। कंपैरिजन करते हैं,
However, जब हम दूसरे ग्राफ के ऊपर आते हैं तो कंपैरिजन के लिए हमने however वर्ड को यूज किया. Youngsters utilized double time on same activity in 2018. यहां पे देखो 16% हुआ ना, तो 8 का डबल क्या हो गया 16. तो यंगस्टर्स ने 2018 में क्या किया, सेम एक्टिविटी के ऊपर डबल टाइम स्पेंड किया. तो मैंने सेंटेंस को कितने अच्छे तरीके से बनाया, पहला 8% है और दूसरा 16 नहीं लिखा, दूसरा क्या बोल दिया, दूसरा डबल हो गया. दिस इज कॉल्ड अ फर्स्ट वे कि आप इसको कैसे लिख सकते हो. तो जब हम इससे बाहर आ गए तो एक तो हो गया हमारा ये, दूसरी लाइन हम कैसे एडजस्ट करेंगे. देखो दूसरी लाइन को जब मैंने एडजस्ट किया और दैट्स कॉल्ड गॉट दूसरा सेंटेंस मैंने, मतलब मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया. सेम टाइम वॉज स्पेंट बाय adults ऑन वर्किंग इन both years. देखो कितने शॉर्ट सेंटेंस में खत्म कर दिया. मैंने ये नहीं बताया कि 33%, 33%. मैंने सेंटेंस को कितने अच्छे तरीके से चेंज किया कि सेम टाइम स्पेंट किया गया है adults के द्वारा वर्किंग के ऊपर, वो भी दोनों ईयर्स में सेम. मतलब मैंने रिलैक्सिंग भी बता दिया, मैंने वर्किंग भी बता दिया. चलो ये अच्छा है. तो आओ अब बारी है हमारे थर्ड की, क्योंकि मैंने सोचा कि तीन को एक में कर देते हैं, तीन को एक में. तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, नेक्स्ट में बच्चे मैंने अच्छे तरीके से आपको राइट डाउन कर गया. तो इसमें मैंने बच्चे क्या किया, ये देखिए मैंने लिखा थर्ड चीज, ये दो हो गए, रिलैक्सिंग एट होम हो गया और वर्किंग हो गया. यंग जेनरेशन स्पेंट 2% ऑफ टाइम टू ट्रेवल फॉर वर्क. ट्रेवल फॉर वर्क ये रहा. यंग जनरेशन ने क्या किया, 2% अपना जो टाइम था वो स्पेंट किया 2008 में, कहां पे, ट्रेवल टू वर्क. और कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कनेक्टर यूज, पहले हाउएवर यूज किया था, अब व्हाइल्स यूज किया. यहां पे 8% है. टाइम वॉज एस्केलेटेड बाय 6% ऑन सेम एक्टिविटी. 6% का मतलब है पहले 2 था, उसमें 6% और जुड़ गया तो कितना बन गया, 8% बन गया. एस्केलेटेड बाय का मतलब होता है इतने परसेंट इसमें जुड़ गया. तो आप ये देखिए कि पहले बीपी में, पहले बॉडी पैराग्राफ में मैंने तीन चीजों को क्रैक किया. तीन चीजें कौन कौन सी हैं, एक तो मैंने वर्किंग को, रिलैक्सिंग को और ट्रेवल को. अब मेरे पास बचे तीन, स्लीपिंग, गोइंग आउट विद फ्रेंड्स और प्लेइंग स्पोर्ट्स. और इन सेंटेंसेस को मैं अपने कैसे चेंज करता हूं, ये आप बीपी 2 में लिखोगे. और लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, कोई भी सेंटेंस एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, ये बात की गारंटी है. और अगर आपके सेंटेंसेस एक दूसरे से मैच नहीं करते, आपका स्कोर आएगा, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप कितनी टाइप्स के सेंटेंसेस को लिख सकते हो. तो द पाई चार्ट्स फर्दर कलेक्ट द दैट. तो उन्होंने क्या कलेक्ट किया, क्या इंफॉर्मेशन गेट की, देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ 1% टाइम that adults spent to go out with friends. बस 1% का फर्क था दोनों में. Going out यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 20 है. Sentence देखो, वहाँ पे मैंने 33 ऐसे नहीं लिखा, same लिख दिया था. और यहाँ पे 19 और 20 भी नहीं लिखा. Sentence को change देखो कितने अच्छे तरीके से किया. मैंने बोला कि ये information मिली है कि going out with friends में just 1% का फर्क है. बात खत्म. ये देखो कितने अच्छे तरीके से हम sentences को change कर रहे हैं. तो आओ इसके बाद हमारे दो रह चुके हैं अभी, है ना. तो देखिए कौन से दो हैं वो, ये बड़े तरीके से लिखा है, उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगा ये वाला. दैट्स ओके. मैंने लिखा द परसेंटेज ऑफ टाइम ऑन स्लीपिंग. अब स्लीपिंग बारी है, ये 32 ऑन स्लीपिंग वॉज 32% एंड 20%. ये देखो सेंटेंस कैसे लिखा मैंने, स्लीपिंग पे यहां पे इसने 32% स्पेंड किया और यहां पे 20% किया इन, उसके बाद दोनों ईयर 2008 एंड 2018 और रिस्पेक्टिवली वर्ड को यूज किया. और ये सबसे आपको अच्छे तरीके से सिखाता हूं कि करना क्या होता है इसमें. आप ये देखिए, पहले मैंने 1% बोल दिया, फिर मैंने दूसरा परसेंट बोल दिया, मतलब पहले ईयर का 1% और ये अगले ईयर का नेक्स्ट परसेंट, ये बोल के दोनों ईयर्स को, फिर 2008 को, फिर 2018 को. और यहां पे जो लास्ट वर्ड ना रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब क्या है कि जो 32% बिलोंग करता है वो 2008 को करता है, जो 20% करता है वो 2018 को करता है. ये सबसे अच्छा तरीका है रिस्पेक्टिवली को यूज करने का. लास्ट पे हमारे पास बचा है प्लेइंग स्पोर्ट्स है, तो आइए हम उसको भी फिनिश कर देते हैं.
और प्लीज रिक्वेस्ट है, आप किसी भी डाटा को छोड़े मत। अगर आपको कोई बोलता है ना कि आप डाटा को छोड़ सकते हो, तो डेफिनेटली नहीं, ये कभी भी नहीं होना चाहिए और आप इसको कभी भी नहीं करोगे, क्योंकि इसके साथ क्या होगा, आपका बैंड स्कोर है जो वो कभी भी आप क्रैक नहीं कर पाओगे। तो लास्ट है हमारा, तो लास्ट में मैंने क्या बोला, द रेशियो, डेफिनेटली हमारे पास क्या रेशियो है, द रेशियो ऑफ टाइम ऑन प्लेइंग स्पोर्ट्स, तो बारी आ गई प्लेइंग स्पोर्ट्स की, ये रहा 6%, ठीक है, बाय यूथ वॉज 6%, ये रहा ना 6%, लास्ट पे क्या कितना 2 रह गया ना, इनफॉर्मर, इनफॉर्मर क्या होता है, पहले में 6% था ईयर, एंड इन लेटर, लेटर कौन सा हो गया दूसरे वाला, इट वॉज डिक्लाइंड बाय 4%, मतलब पहले 6% था, डिक्लाइंड बाय 4% कितना रह गया 2%, तो ये रहा 2%। ये देखिए कि हमने 6 स्टेप थे, 3 स्टेप हमने एक में किए, 3 स्टेप हमने दूसरे में किए, लास्ट पे बचा हमारे पास ओवरऑल, और ओवरऑल में सबसे ज्यादा क्या है और सबसे कम क्या है, हम इसको जज करते हैं। तो इसको जज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ओवरऑल को करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने क्या लिखा बच्चे, तो ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा और उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे तरीके से इसको गेट भी करोगे। तो इसको ओवरऑल हम आपको यहां पे शो करते हैं, ओवरऑल मैंने कैसे लिखा, सबसे पहले आप ओवरऑल लिखिए और उसके बाद कॉमा डालिए, मैक्सिमम परसेंटम, परसेंटेज का सिनोनिम परसेंटम ऑफ टाइम वॉज इन वर्किंग, ये देखो वर्किंग में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किस में हुआ, वर्किंग में हुआ, वेयर एज कॉन्ट्राडिक्ट, और सबसे कम, देयर वॉज अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ टाइम ऑन प्लेइंग स्पोर्ट्स, ये देखिए प्लेइंग स्पोर्ट्स में सबसे कम टाइम, मतलब एक इसका मैक्सिमम और एक इसका मिनिमम। अगर ओवरऑल बात करूं मैं आप पूरे पाई चार्ट की, सबसे पहले हमने किया था इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन सभी ग्राफ्स में सेम होता है, पाई चार्ट में नहीं, सभी में सेम होगा, बॉडी वन बॉडी टू और लास्ट में ओवरऑल, ये रूल है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं करोगे तो एग्जाम कभी भी आप क्रैक नहीं कर पाओगे। ओवरऑल पहले नहीं लिखना है, हाँ सभी पढ़ाते हैं, सभी आईएलटीएस टीच करते हैं, दैट्स गुड, सभी बेस्ट देते हैं, मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि मेरे चैनल पे आपको बेस्ट वीडियोस मिलेंगे, ये मिलेगा, आप अपने दिल से पूछो, आपको जिसका अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हो, दैट्स इट, मैं अपने दिल से पढ़ाता हूं। अगर आपको लगता है कि हाँ रमन सर आपकी हमें अच्छे तरीके से समझ आती है, आप ऐसे ही हमें टेबल करा दो, ऐसे हमें लाइन करा दो, बार करा दो, डायग्राम करा दो, प्रोसेस करा दो, मैप करा दो, मेरे पास सभी फिंगर पे हैं और मैं चाहता हूं कि आपको वन बाय वन ऐसी चीजें प्रोवाइड करता रहूं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप उसको लाइक बटन जरूर दबाएं, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक आप दबा सकते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपकी वेट करते हैं, हम रीड आउट करते हैं और चाहते हैं कि हमें, कई बार क्या होता है कि पढ़ाते टाइम हमसे भी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, अगर हमसे भी कुछ गलतियां होती हैं तो हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर आप चैनल को पसंद करते हो तो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करो, अपने दोस्तों के साथ लिंक डालो, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और सभी को फॉलो करने को बोलो, और डेफिनेटली बिलीव कीजिए किसी को निराश नहीं होने दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा सो लाइक करना, थैंक यू सो मच, और दिल से पढ़ाया, थैंक यू, लव यू एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय, रमन शर्मा।